सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, अगर आप किसी से कॉल पे बात करते रहते हो उसी टाइम किसी का कॉल आ जाता है तो आपको पता नहीं चलता है क्या रीज़न है, कैसे आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में यही बताएंगे। गाइस ये सेटिंग से छेड़छाड़ की वजह से ये कुछ हो जाता है, आज की इस वीडियो इसको सॉल्व करके बताएंगे, बहुत ईजी से आप सही कर पाओगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। होता है कि गाइस अगर आप किसी से कॉल पर बात करते रहते हो ना उसी टाइम किसी का कॉल आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप यार उसको पिकअप कर पाओ या फिर उसको बाद में भी कॉल वगैरह कर पाओ, वो आपको पता ही नहीं चलता, ना ही वो आपके फोन में दिखता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे आज के इस वीडियो में। सेटिंग से कुछ नहीं करना है, बहुत लोग सेटिंग से छेड़छाड़ इसी कारण से ऐसा हो जाता है गाइस, बट मैं सेटिंग से ही करूंगा, बट ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं सिंपल तरीका बता देता हूं जिससे आप कर पाओ। सेटिंग से करूंगा तो यार आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि कहां पे क्लिक करना है, क्या सेटिंग है। आपको नॉर्मल तरीका क्या करना है, ये जो आपका डायलर है ना इस पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, थोड़ा टाइम तक टच करना है, मतलब लॉन्ग प्रेस उसी को बोलते हैं। इजीली गाइस जो भी आपके फोन में एप्लीकेशन है जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहां पे दो तीन ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे मैं टच करता हूं तो यहां पे दो तीन ऑप्शन आ जाता है, फेसबुक हो गया या फिर कोई भी। इसी टाइप से आपको डायलर पे जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो यहां पे दो तीन ऑप्शन आना ही आना है। आपको क्या करना है, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, ये जो ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल रहा है या फिर इस टाइप से लोगो मिले ना उसी पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये सेटिंग खुल जाता है आपका डायलर का, ठीक ना। अब आपको यहां पे स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन ढूंढ लेना है, ऊपर नीचे कहीं भी मिल सकता है स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन, ठीक ना। आप जहां पे मिले ना यहां पे देख सकते हैं, हालांकि ऊपर में है, इजिली मैं यहां पे क्लिक करूंगा। अगर आपको ऊपर नीचे कहीं भी मिलता है यहां पे क्लिक कर लीजिएगा। स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लियर डाटा कर लेना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं साइड में क्लियर डाटा लिखा हुआ है, सो क्लियर डाटा कर लीजिएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं इससे आपका जो भी आपका कॉल आता है कॉल पे बात करते टाइम उसको आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो आपने थंबनेल पे देखा। इसी टाइप से सारे कुछ ये प्रॉब्लम जितने भी आते हैं आपके सही हो जाएंगे 100%। मैंने ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो कि गाइस आपका कॉलर पे वगैरह कॉल भी डिलीट हो जाता है, बहुत सारे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। सो इसको करने से आपका जो भी डायलर में वायरस वगैरह हैं सारे क्लीन हो जाते हैं आपके स्टोरेज के, एंड इसको सही कर लीजिएगा। एंड करने के बाद आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। कमेंट बताइए आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच, आप करके देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।